स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्यों आज पाकिस्तान का सुपार को इंडिया के इसरो से इतना पीछे है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी और सोवियत रशिया दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च करके यूएस को स्पेस रेस में मात दे चुका था। इसलिए यूएस के कैरिस्मैटिक प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी नासा को एक इम्पॉसिबल मिशन देते हैं, मून पर ह्यूमन लैंडिंग। इसी अपोलो मिशन के लिए नासा को इंडियन ओशन के ऊपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के डेटा की जरूरत थी, जिसके लिए यूएस 26 इंडियन ओशन कंट्रीज को कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट करता है और इन्हीं में से एक देश था पाकिस्तान। और यूएस की इस हेल्प एंड नोबल प्राइज विनर अब्दुल सलाम की विजनरी सोच से 1961 में जन्म लेती है सुपारको, यानी कि स्पेस एंड अपर एटमोसफियर रिसर्च कमीशन, जो यूएस हेल्प से 1962 में बलूचिस्तान से रहबार 1 रॉकेट लॉन्च करने में सक्सेसफुल होती है और यह लॉन्च पाकिस्तान को स्पेस को टच करने वाली एशिया में थर्ड कंट्री बना देता है। वहीं दोस्तों, इंडिया में 1960s में विक्रम साराभाई नेहरू जी को स्पेस प्रोग्राम सेटअप करने के लिए कन्विंस करने में लगे थे और उनकी इसी मुहिम का रिजल्ट 1962 में एस्टैब्लिश होती है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी कि इनकोस्पार, जो रोहिणी रॉकेट्स के थ्रू अपनी पहली स्पेस फ्लाइट 1967 में लेती है और इनकोस्पार को ही 1969 में तब्दील किया जाता है इसरो में। तो दोस्तों, क्यों पाकिस्तान की सुपार को, जो इसरो से पहले एस्टैब्लिश हुई थी, आज एक फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं इसरो, जिसने अपना पहला स्पेस लॉन्च पाकिस्तान से 6 साल बाद किया, आज वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसीज में गिनी जाती है। आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच। अगर आप UPSC का एक अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट शॉट है, क्योंकि बेस्ट फैकल्टीज द्वारा 1000 hours से ज्यादा के लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको हर क्लास में प्रीलिम्स के लिए MCQ प्रैक्टिस और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है। साथ ही हर क्लास की स्ट्रक्चर्ड हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको इस बैच में पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, जिनसे आप अपने एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हैं और होम डिलीवरी ऑफ स्टडी IQ बुक्स भी आपको इसी बैच में कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। सो दोस्तों, इस बैच का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो मार्केट में हाईएस्ट है एंड अगर आप RT Live, जी हाँ RT Live कोड का यूज करते हैं, सो इन सभी स्पेशल बेनिफिट्स एंड ह्यूज डिस्काउंट के साथ आप इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1960s एंड 70s में सुपारको, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट स्पेस एजेंसी है, इंडिया की इसरो से टेक्नोलॉजी में डिकेड्स आगे थी। रहबार रॉकेट्स के बाद सुपारको ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एक्सेल करने के लिए 1980s में कराची में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया और दोस्तों, यही वो समय था जब सुपारको अपनी टेक्नोलॉजिकल माइट पर थी। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी और डिफेंस सेंट्रिक व्यू ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने की राह पर ढकेल दिया, जिसकी वजह से US और नासा ने सुपारको की टेक्नोलॉजिकल हेल्प काफी कम कर दी और इसीलिए अपने स्पेस एम्बिशंस को पूरा करने के लिए सुपारको को अब चाइना की तरफ देखना पड़ा। साथ ही लेट 80s में सुपारको को जिया उल हक के बजट कट्स की मार भी झेलनी पड़ी और चाइनीज स्पेस एजेंसी भी 1980s में टेक्नोलॉजी में नासा से बहुत पीछे थी, जो सुपारको को नासा जैसा सपोर्ट नहीं कर पाई। साथ ही 80s एंड 90s में पाकिस्तान के सर पर न्यूक्लियर पावर बनने का भूत सवार था, जिसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट्स को सुपारको से न्यूक्लियर वेपन डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया गया और इसीलिए सुपारको चाइनीज हेल्प से अपनी पहली सैटेलाइट बदरवन को 29 साल बाद 1990 में लॉन्च कर पाया और सेकंड सैटेलाइट बदर 2 को इसके 11 साल बाद 2001 में।
तो दोस्तों लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, फाइनेंशियल क्रंच, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल हेल्प और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एंड मिलिट्री जनरल्स की आर्किक सोच स्पार्को के डाउनफॉल का कारण बनी। आज पाकिस्तान स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने के कैपेबल नहीं है और आज पाकिस्तान की ज्यादातर सैटेलाइट्स चाइना लॉन्च्ड हैं। तो दोस्तों इंडिया में पाकिस्तान के क्या ऑपोजिट हुआ जिसकी वजह से आज इसरो वर्ल्ड की टॉप स्पेस एजेंसी में गिनी जाती है। दोस्तों इनकोबार के रूप में स्टैब्लिश होने के बाद इसरो को डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे एग्जेम्पलरी का साथ मिला और इंडियन पॉलिटिशियंस ने स्पेस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस समझते हुए इसरो को प्रायोरिटी दी। इंदिरा गांधी जी ने 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की नींव रखी और इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से अलग करके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का पार्ट बनाया। और आज भी दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के तहत आता है और शायद इसीलिए हम रशियन हेल्प से 1975 में पाकिस्तान के सुपारको से 15 साल पहले अपनी आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च कर पाए। हमारे साइंटिस्ट ने समय रहते लॉन्च व्हीकल्स की इम्पोर्टेंस समझते हुए इन्हें डेवलप करना शुरू किया और उनकी मेहनत का नतीजा ये निकला कि 1980s में हमने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च सक्सेसफुली टेस्ट किया और आज PSLV, GSLV, RSLV और LMV-3 के साथ इंडिया वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल्स को बोस्ट करता है। 2013 में इसरो ने अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ के बजट के साथ मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च कर वर्ल्ड की चीपेस्ट सक्सेसफुल स्पेस मिशन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। साथ ही आज चंद्रयान 3 के बाद इसरो मून के साउथ पोल के पास लैंड करने वाली फर्स्ट कंट्री बनने वाला है और जल्द ही 2025 में गगनयान से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लॉन्च करके रशिया, US एंड चाइना के बाद इंडिया क्रूड स्पेस मिशन लॉन्च करने वाला 4th कंट्री बन जाएगा। साथ ही आज इंडिया सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए वर्ल्ड की मोस्ट रिलायबल कंट्री है। इसरो के रॉकेट्स का यूज करके बहुत सारे छोटे देश और बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल इसरो से अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवा चुकी हैं। तो दोस्तों ये एक्सीलेंस नहीं तो क्या है और सुपारको के कंपैरिजन में इसरो की इस सक्सेस के पीछे क्या रीजंस रहे, चलिए समझते हैं। दोस्तों 1970 से ही इसरो DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर है और DAE डायरेक्टली PMO के अंडर होने की वजह से इसरो हमेशा मिनिस्ट्रीज की पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से बची रही। वहीं सुपारको को 1971 में ही पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के तहत डाल दिया गया और 2000 में नेशनल कमांड अथॉरिटी के तहत, जिसकी वजह से सुपारको को इसरो की तुलना में ज्यादा पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स छिलने पड़े। सेकेंडली इसरो को कोई पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट हेड नहीं करता। इसरो एक टेक्नोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जहां लीडरशिप रोल पर भी आपको साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स ही देखने को मिलते हैं। वहीं सुपारको को आज आर्मी के मेजर जनरल अमीर नदीम एडमिनिस्टर करते हैं, जो दोस्तों इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में स्टार्क कॉन्ट्रेस्ट को और बेहतर तरीके से दर्शाता है। तीसरा मेजर फैक्टर है एजुकेशन एंड वर्कफोर्स। इंडिया में कई बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IISc एंड IITs आज स्पेस टेक्नोलॉजी की नर्सरीज हैं। वहीं आज पाकिस्तान में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज स्पेस रिलेटेड कोर्सेज कराती हैं और इसरो इंडिया की टेक कैपिटल बेंगलुरु के बीचों बीच लोकेटेड है और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर होने की वजह से इसरो गवर्नमेंट की माइक्रो मैनेजमेंट से बची रही और साथ ही टेक्नोक्रेटिक वर्कफोर्स की भी इसरो को कभी कमी नहीं हुई। साथ ही एक और रीजन है इंडियंस की स्पेस को लेकर प्रोग्रेसिव सोच। अगर आज हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे कि सोलर सेल्स, लॉन्ग डिस्टेंस बैलिस्टिक मिसाइल्स, मोबाइल कम्युनिकेशन, GIS, कंप्यूटिंग एक्सेट्रा को देखें तो ये सभी टेक्नोलॉजी हमें स्पेस में इन्वेस्ट करने से ही मिली हैं। सैटेलाइट को पावर करने के लिए सोलर सेल्स डेवलप किए गए, स्पेस रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके लॉन्ग डिस्टेंस बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए गए जैसे कि Agni-5 और स्पेस ट्रैवल की डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को करने के लिए बेटर कंप्यूटर्स तैयार किए गए। वहीं दोस्तों पाकिस्तान का इंडिया सेंट्रिक व्यू हमेशा डिफेंस पर फोकस्ड था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम एक लॉन्ग टर्म सोच लेकर नहीं चल पाया और आज पाकिस्तान का स्पेस विजन 2047 इसी मायोपिक सोच को दर्शाता है, जहां इस डॉक्यूमेंट में पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लॉन्च करने की बात करी गई है। लेकिन कैसे, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स डेवलप करने की बात नहीं की है। वहीं दोस्तों 2040 तक इंडियन स्पेस सेक्टर $100 बिलियन का मार्क टच कर सकता है, जो आज की पूरी पाकिस्तान की GDP का लगभग 1/3 है।
साथ ही जहां आज इंडिया अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक को ग्लोबल बनाने में लगा है, वहीं पाकिस्तान यूएस मेड जीपीएस को छोड़कर चाइना मेड बाइडू पर पूरी तरह से शिफ्ट कर गया है और वर्ल्ड की ऐसा करने वाली ये पहली कंट्री भी है। दोस्तों, स्पेस में नेक्स्ट ग्रोथ स्पर्ट प्राइवेट सेक्टर से आने के आसार हैं, चाहे यूएस में स्पेसएक्स हो या ब्लू ओरिजन या वर्जिन गैलेक्टिक या फिर इंडिया में स्काई रूट हो या फिर सैटशॉर या पिक्सेल। ये सभी कंपनीज स्पेस टेक्नोलॉजी बनाने में लगी हैं और फ्यूचर में स्पेस प्रोग्राम्स को ये प्राइवेट कंपनीज ही एक्सेलरेट करेंगी। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल माहौल इन प्राइवेट कंपनीज के इंक्यूबेशन के लिए कंडक्टिव नहीं है। और साथ ही दोस्तों, स्पेस डिफेंस का नेक्स्ट फ्रंटियर है, चाहे यूएस की स्पेस फोर्स हो या फिर इंडिया की डिफेंस स्पेस एजेंसी। और सुपारको के इस फेलियर से पाकिस्तान आज स्पेस डिफेंस के लिए पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट है। दोस्तों, किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम उस कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट को बेडरॉक प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान के इंडिया से सेपरेट होने से लेकर प्रेजेंट तक हाईली अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम ने एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इंस्टीट्यूशंस की डिसमेंटलिंग एक्सेट्रा को सपोर्ट किया है और आज इकोनॉमिक हार्डशिप्स और पॉलिटिकल टर्माइल की वजह से पाकिस्तानी पॉपुलेशन होपलेस है और हाईली एजुकेटेड पाकिस्तानीज यूएस और अदर डेवलप्ड कंट्रीज की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले टाइम में ओवरऑल पाकिस्तान और स्पेसिफिकली सुपारको क्या अचीव कर पाती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।